सबसे पहले आज के अवसर पर जो बिहार में हम लोगों ने 2012 से बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस का आयोजन शुरू किया, तो आज भी वही कार्यक्रम है और उसी सिलसिले में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद। आप सबको मालूम है कि रक्षा दिवस भी आज है, तो हम लोगों ने कहा कि बहन की रक्षा के लिए तो सब लोग करते ही आज का दिन मनाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वृक्ष की रक्षा होनी चाहिए, तो उसी को देख करके हम लोगों ने आज के दिन ही इसकी शुरुआत कराई थी और आज फिर आकर के अच्छा लगता है। और आप देखते हैं कि कितना ज्यादा वृक्षारोपण किया जा रहा है, किया गया है और सबको कितना ज्यादा सुरक्षित रखा जा रहा है। अब बिहार की क्या हालत थी जब झारखंड अलग हुआ, तो बिहार में मालूम है ना कि बिहार का क्या था, कितना कम था, 9% के करीब था, लेकिन उसके बाद ही जो हम लोगों ने शुरू किया है सब काम, अब तो 15% भी हो गया और उसके आगे भी हम लोग लगातार तेजी से कर रहे हैं। जो वृक्षारोपण कर रहे हैं सब जगह, तो उससे ये हो रहा है तो अच्छा है। और आज के दिन सब जगह इसका आयोजन किया जाता है और आप जानते हैं कि हम लोग जो वृक्ष की रक्षा के लिए ही एक लगाते हैं और बाकी सब जगह नया वृक्षारोपण भी करते रहते हैं, यही सब काम है सब का, और इसलिए सब कुछ पता ही है। और अब तो जो जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने शुरू किया 19 में, तो उसी समय ने कहा कि जब जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, तो उसको लेकर के भी सारा काम कर रहे हैं हम लोग, ये सब तो चल ही रहा, तो उसी सिलसिले में आए। सरकार बदलते ही एक बार आप लोगों पर फिर से जंगल राज का आरोप लगने लगा है। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, कह रहे हैं कि पूरा आंकड़े के साथ आंकड़ा दिखा रहे हैं कि जंगल राज पर आरोप लगाएगा, कुछ अंडपंड बोलेगा तो उसको पार्टी में कुछ फायदा होगा ना जी, आप जानते नहीं जो भी हम पर बोलेगा तो उससे उसको पार्टी में कुछ फायदा होने की संभावना रहेगी कि पार्टी वाला उसको देगा, या देख नहीं रहे जिनको पार्टी वाला बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, तो वो कुछ बोलते हैं तो खुशी की बात है कि उन लोगों को कुछ मिल जाए और मौका, कोई उप कोई मैंने समझिए कि नीचे नहीं मिला है उसको और कुछ मिल जाए, अपना चीज है। देखिए ये सब तो किसी का भी बोलना सबको अपना है, हम लोग तो कुछ बोलते नहीं, हम लोग तो बता दिया है, आखिर हमको ये निर्णय क्यों लेना पड़ा है, हमारे पार्टी के तमाम लोगों की इच्छा यही थी और हमने जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में सबसे अधिक अधिकार दिया उसने कितना गड़बड़ किया, तो सब लोगों की जो इच्छा हो गई तो अंततो गत्वा, और आप देख रहे हैं कोई कुछ बोलता है, और हम तो दोनों में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने पूरे तौर पर समर्थन कर दिया, और वो हो जाने के बाद फिर जो सबकी इच्छा हो रही थी हम लोगों के दल में, तो उन लोगों से बातचीत हुई, फिर अन्य दलों के साथ भी बातचीत हुई और मिलकर के, तो आप जानते ही हैं कि जो हम लोग एक साथ थे इधर तीन दल, तो उसमें से तो दो निकल गए, अब तो अकेले न हैं, और एक जो उनके साथ भी था उसको तो बाहर करके उसके लोगों को अपने साथ में लिए थे, भाई याद करिए न 2020 वाला जो, तो अब हम लोग तो बिल्कुल देखिए अब सब अपना इधर है, तो एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाना है सब मिलकर के, और समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे, बहुत लोग कोशिश करते हैं इधर उधर कुछ न कुछ होता रहे, तब वो हमको अच्छा नहीं लगता था कि बेकार बिना मतलब की बात है कोई न कोई विषय उठा करके एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि समाज में एकदम बिल्कुल ही टकराव हो और उसका फायदा ले, तो ये सब तो बेकार चीज है। तो हम लोग तो लगे प्लस श्रेणी मिला उस पर भी आपत्ति जताई जा रही है, अरे काहे का कोई आपत्ति जलाएगा, आप गजब बात करते हैं, डिप्टी सीएम है और इतना सब कुछ है तो उसको काहे नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये सब कोई बात नहीं है, कौन क्या अनाप शनाप बोलता रहता है, ये सब बेकार बात है। अब आगे जो काम होगा उसको देखिएगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, हम सब आप लोगों की भी इज्जत करते रहेंगे। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ
ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।